सर, सर मैं सीधे सीधे आपके आता हूँ सर, ये सरकार क्या चाहते हैं आरक्षण पे, आरक्षण के मामले पे वो सरकार? नहीं देखिए देखिए देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन भारत सरकार की बात है, भारत सरकार की बात है, मैं इसी भारत सरकार में, इसी सरकार में मैं डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ। यही सरकार वो सरकार है एमपी गवर्नमेंट, जिस सरकार ने ये बोला है एमपी गवर्नमेंट ने, आप जिस मर्जी सीनियर वकील को रखो पैसा हम देंगे। आज मेरे को एमपी गवर्नमेंट ने पावर दी है कि मिस्टर गोरखेला आप किसी भी सीनियर, और जितने भी सीनियर यहाँ अपेयर हो रहे हैं जिनकी फीस 10 लाख 15 लाख 5 लाख हो रही है, वो एमपी गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर रही है। तो हमने 11 से 12 सीनियर वकील खड़े करे हैं, तो इसलिए मैं मनोज गोरखेला एमपी गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। रही बात सरकार की बात, अटॉर्नी जनरल ने जो इतना बढ़िया आर्गूमेंट किया, इतने बड़ी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को ये भी बताया कि आज इतनी बैकवर्डनेस है कि आदमी घोड़े में नहीं चढ़ सकता। अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह से आर्गूमेंट करा है कोर्ट में, उससे यह साफ जाहिर होता है, क्योंकि मैं सर अभी के कल परसों का केस है सर, एक पीसीएस अधिकारी को एक अपर कास्ट का परेशान कर रहा है, उसके घरवाले को परेशान कर रहा है। एक मिनट जी, जो देखिए पहली चीज तो आप इंडिविजुअल व्यक्ति, और पूरे देश, बाबा साहब ने बोला था मैं पूरे देश का, देश के बारे में सोचता हूँ। बाबा साहब ने अगर इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, बाबा साहब ने पूरे देश के बारे में सोचा, रिजर्वेशन लेके आए, तो मेरा उद्देश्य है कि जब जो है इस देश की, एक बार पूरे कंट्री की 40 करोड़ लोगों की बात है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात है, तो हमें, मेरे को 40 करोड़ पर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो इंडिविजुअल एट्रोसिटी हो, जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, परेशानी हो, ये लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन 40 करोड़ की जिन लोगों की लाइफ का सवाल है तो प्रमोशन रिजर्वेशन है, और क्रिमी लेयर है, अगर क्रिमी लेयर लागू हो जाएगा तो देश से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और रिजर्वेशन खत्म होगा तो बाबा साहब, हमारा बाबा साहब का संविधान वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहना, कहने का उद्देश्य यह है कि जो अब 3 पॉइंट पे बात कर रहा था मैं, दोबारा आपने बात में इंटरप्ट किया, पहला पॉइंट बैकवर्डनेस जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा पॉइंट एफिशिएंसी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल रेगुलेशन है, उसको एम नागराज की उसकी कोई जरूरत नहीं है, तीसरा पॉइंट आता है एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का, जब ऑलरेडी रोस्टर सिस्टम सबरवाल के जजमेंट से आया हुआ है, रोस्टर सिस्टम है जिसमें एक होगा, चार होगा, फिर 7 लोग ऐसे रोस्टर से, 100% रोस्टर सिस्टम है, तो रोस्टर सिस्टम में एक व्यक्ति अगर फालतू कोई आ रहा है तो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन पूरे के पूरे एक दो व्यक्ति अगर ज़्यादा आ गए किसी पोस्ट में, उस वजह से आप पूरे देश के सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात रोस्टर सिस्टम जो है यमनागरा वो सबरवाल के बेसिस पर रोस्टर सिस्टम है, जिसके वजह से एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन को रिसर्च करने की, उसको सोचने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तीसरा पॉइंट पे जो है हमने बोला है। और एनेबलिंग प्रोविजन पे जो हमने आर्गूमेंट किया है कोर्ट में, एनेबलिंग प्रोविजन क्या प्रोविजन होता है कि इंदिरा सानी ने बोला है कि ये एनेबलिंग प्रोविजन, इंदिरा सानी ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट है किसका, हमारे एसटीएससी का, लेकिन जो एम नागराज बोलता है वो एनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, तो ये एनेबलिंग प्रोविजन भी बहुत डैमेज कर रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको, अगर एनेबलिंग प्रोविजन नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट 16(4) को इंप्लीमेंट नहीं करती, तो कोर्ट में जाके कोर्ट से डायरेक्शन देके उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता था। और मैंने ये भी कोर्ट में आर्गूमेंट किया था कि इस देश में अपॉइंटमेंट की बात करें हम, तो अपॉइंटमेंट में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका बैकवर्डनेस, जिनको जो है जिनकी सीटें नहीं भरी गई, तो इतना बैकवर्डनेस है, इतनी प्रॉब्लम है इस देश में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने जो गौतम साहब ने बताया था मुझे, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल मीडिया ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिलियर कर रहा है, क्रिमिलियर होना चाहिए, मीडिया भड़का रही है इस समाज को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को भड़का रही है, मीडिया ये बोल रही है कि जो है जो शेड्यूल कास्ट के गरीब लोग हों वो अपने अमीर, अपने समाज के जो नौकरी वालों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, इस तरह से मिसगाइड कर रही है, र्यूमर बना रही है। मेरा कहना है इन देश के 40 करोड़ लोगों को ये सब र्यूमर में आने की जरूरत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी क्रिमी लेयर पे कोई ऐसी चर्चा नहीं करी, ये अपोजिट रिस्पोंडेंट का काम है बहस करना, उन्होंने क्रिमी लेयर पे बहस करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक का, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमी लेयर पे, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस है कि एसटीएससी पे क्रिमी लेयर नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अगर कोई आदमी कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग दिल्ली आइए, एक जितने ज़्यादा अच्छे वकील, टॉप लेवल के लॉयर, कुछ फाइनेंशियली वो फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करिए, मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं न किसी से पैसे मांग रहा हूँ, तो अपने उसको दीजिए कोई अच्छे लॉयर, और हम चाहते हैं और भी 4-5 अच्छे लॉयर अपेयर हों इसमें। और रही बात पीएल पुनिया की, बात हो रही थी जो पीएल पुनिया है, इसके अलावा और जो आईएसपीसीएस लॉबी के लोग हैं, माता प्रसाद हैं, मतलब आईएसपीसीएस लॉबी के जितने भी लोग हैं एससीएसटी के, उनके बच्चों को क्या आरक्षण मिलना चाहिए देश के अंदर या नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीडिया बार बार पीएल पुनिया साहब का नाम ले रही है, मीडिया बार बार जो है माता प्रसाद जी का नाम ले रही है, बार बार जो है आईएएस ऑफिसर का नाम ले रही है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईएएस ऑफिसर को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसलिए आईएएस ऑफिसर का नाम तो आप मत दीजिए कोई भी, चाहे मीडिया हो, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। अब रही बात जो लोग चीफ इंजीनियर हैं, जो लोग डायरेक्टर जनरल हैं, जो लोग पुलिस, जो पुलिस में सीनियर ऑफिसर बन गए, जो डीएसपी रैंक के लोग हैं, उन लोग जैसे अब हम क्रिमिलियर की बात करें,
अगर क्रिमिनल की बात करते हैं तो पीएल पुनिया साहब का जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो एक तो फोर्थ क्लास नहीं भर सकते फॉर्म, वो थर्ड क्लास ग्रुप थ्री का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनकी रेपुटेशन एक लिमिट पर बन गई, तो क्लास फोर्थ क्लास थ्री का तो फॉर्म ही नहीं भरते वो बच्चे, जो बच्चे क्लास वन ऑफिसर बनते हैं जी, उनके बच्चे क्लास थ्री क्लास फोर्थ का तो फॉर्म ही नहीं भरते। अब वो फॉर्म कौन सा भरेंगे, क्लास टू का भरेंगे या क्लास वन का ऑफिसर आईएएस का भरेंगे? लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कितने पीएल पुनिया, अगर पीएल आप मानते हो कि सारे पीएल पुनिया जी जैसे लोग अगर बहुत अच्छे पोजिशन पर पहुँच गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खड़े हैं, इस सुप्रीम कोर्ट में 1950 से लेकर आज तक कोई भी एसटीएससी का आदमी अटॉर्नी जनरल नहीं बना, सॉलिसिटर जनरल नहीं बना, एक भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट नहीं करा और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, एक जज बने थे हमारे लेकिन उनका वो रिटायर हो गए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम पीएल, जिस दिन पीएल पुनिया साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट जज बन जाए, जिस दिन जस्टिस बालाकृष्णन साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट जज बन जाए और जिस दिन पीएल पुनिया साहब के सारे बच्चे आईएएस बन जाए, क्योंकि आईएएस बनना गवर्नमेंट जॉब में लगना रिक्स आपने पेपरों में देखा होगा, चाहे जनरल कास्ट हो चाहे वो एसटीएससी लोग हो, जो बनना, और मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें काफ़ी 90% जनरल कास्ट के लोग भी चाहते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो जी, लेकिन 10% लोग ही हैं जो जो कि इसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कई सारे जनरल लोगों ने, कई ब्राह्मणों ने, कई क्षत्रियों ने फ़ोन किया कि गोरखेला साहब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं कह रहा हूँ जिस पीएल पुनिया जी हो चाहे जस्टिस बालाकृष्णन हो, क्या इनके बच्चों को देखिए आप, क्या इनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, क्या इनके बच्चे हाई कोर्ट जज बन गए? लेकिन अगर जस्टिस बालाकृष्णन साहब और सुप्रीम कोर्ट जजों को आप तुलना करें तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट जजों के बच्चे हाई कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट जजों के बच्चे सुप्रीम कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन इस देश के आईएएस ऑफिसर, जिस दिन इस देश के पीएल पुनिया साहब, जिस दिन का साहब का बेटा, जिस दिन उनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट जज बने, हाई कोर्ट जज बने, उस दिन आप कहिए कि क्रिमिनल एयर इन पर लागू होना चाहिए। और जितने आईएएस, रही बात आईएएस की, एक गरीब आदमी रिक्शे वाला, तांगे वाला, रेलवे स्टेशन वाला भी आईएएस बन सकता है, और मैंने खुद देखा है कि एक चपरासी का बच्चा आईएएस बन रहा है लेकिन जो जिसके अंडर में वो काम कर रहा है वो आईएएस ऑफिसर, उसका बेटा जो है वो आईएएस कुछ भी नहीं बन पा रहा। तो इसलिए इस देश में अगर रिसर्च करें हम सारे आईएएस ऑफिसर को, रिसर्च करें सारे पीएल पुनिया साहब को, उनके बच्चों का क्या स्टेटस है, उनके बच्चों का क्या, उनके बच्चे इस देश के आईएएस बने, तब जाके आपको कहना चाहिए कि हाँ ये जो है क्रिमिनल एयर होना चाहिए। इस देश में आपको सबको पता है टाडा है, कोडा है जी।